हम लोग गए सीन ऐसा है कि सुबह हो गई है और बस ये फर्स्ट व्लॉग है शुरू करना। अल्लाह का नाम जो बड़ा मेहरबान हो रहा है रैम करने वाला। सीन ऐसा है कि देखते हैं अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, नाश्ता वाश्ता करने में जो भी फ्रेश फ्रेश होते हैं नहाते धोते हैं उसके बाद आप लोग को साथ ले लेके चलते हैं। जी आपका भाई आ गया है, उठ उठ गए थे, नहा धो लिया है। ये नाश्ता अपनी मदद आपके तहत बनाया गया क्योंकि 3 बजे जब घर पे बोला गया कि नाश्ता दिया जाए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि दोपहर के खाने का टाइम है, नाश्ता करी। तो हमने अपने 2 पैर और 2 हाथ की मदद से अपना नाश्ता खुद बनाया है। तो ये है, अब नाश्ता शाश्ता करते हैं और आपसे मिलते हैं। मजेदार 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 yeah। मुकाने के बाद चलते हैं जावेद के पास और उससे पूछते हैं कि भाई क्या लाया बोले। कई सीन को जैसा है, अबे हटा इसकी बाइक को, गाड़ी पे चलते हैं। दरवाजा खोल, ये हमारी खाला की गाड़ी है। कुछ क्या हो रहा है जावेद? खैर है, इतने गरीब नहीं है अभी हम। तो भाई गाइस सीन कुछ ऐसा है कि भाई नाश्ता वाश्ता किया उससे तो पेट भरा नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं जौहर पकवान सेंटर बिरयानी खाने। अब वहां पर पहुंच के आप लोग को बताते हैं कि क्या सीन है और क्या लाया मल है। अब वहां पे जाते बिरयानी शिरयानी खाते हैं और वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। पहुँच गए बिरयानी शिरयानी के पास, ये रहा जौहर पकवान, पहुँच गए। बस यहाँ पे अभी कज़न के ऑर्डर देने के लिए, वो ऑर्डर देकर आता है तो फिर पटते हैं बिरयानी, बोतल शोतल पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिरयानी शिरयानी आ गई है, बोतल शोतल आ गई है और बोतल शोतल पटते हैं, बिरयानी बिरयानी खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिरयानी शिरयानी पटती है, अब बोतल शोतल पीते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। घर से पट लिया, उसके बाद घर चलते हैं। घर से जाके मामू शामू को उठाते हैं और उनको फिर सदर में छोड़ना है, उनके घर पर ड्रॉप करना है। फिर सदर में एक दो काम है वो भी देखते हैं, फिर उसके बाद एक जगह और जाना है तो आप लोग को साथ ले लेके चलते हैं। भाई घर शहर पहुंच गए तो अब सीन ये है कि अब यासिन मामू को उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं हम किधर, सदर। सदर चलने के बाद हम लोग ने जाना है यासिन मामू को घर, उनका ड्रॉप करना है, उसके बाद सदर से पैंट कोट वगैरह उठानी है। सीन ऐसा है कि ये मीटर रीडिंग हमारी रुकी हुई है और हमारा बिल आ गया 2.5 लाख रुपये का। अब कैसे आया है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, अभी आप लोगों को बिल भी दिखाता हूँ। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं कि गैस का बिल आ रहा है 2.5 लाख रुपये। हम लोग को तंदूर है हमारे घर पे, 1 लाख रुपये बिल आ गया। आप लोग को बिल दिखाते हैं अब जाके कि ये 2.5 लाख रुपये बिल आया कैसे, मतलब ये चल रहा है, ये माहौल है, ये दुनिया है। तो मतलब ये देखें, ये बिल आ गया हमारा 2,42,000 का। अब बताएं कि घर में तंदूर है कि नॉर्मल सा घर है। इस घर के अंदर ये हमारे पिछले बिल जो आते रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे बिल आते रहे, ये देखें 7,000। ये कौन सा बिल है, ये आया है हमारा 9,000। हमारे बिल ये आते थे 7,000-9,000 और ये अभी हमारे पास बिल आ गया 2.5 लाख रुपये का। मतलब ये क्या हो क्या रहा है कि हम लोगों ने तंदूर खोल लिया है, हमारा कोई कमर्शियल मीटर आ गया है। सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग निकल गए हैं यासिन मामू को उनके घर ड्रॉप करने के लिए और ये हम लोग हैं अभी जाने के कगार पे। तो बस ये सीन है कि अभी हम लोग ने सदर की तरफ जाना है और यासिन मामू हमारे साथ हैं। यासिन मामू को हम लोग, यासिन मामू क्या हाल है, यासिन मामू कैमरे के आगे शर्मा क्यों रहे हो? हाँ हमारा मामू बहुत इंट्रोवर्ट सा बंदा है तो इसलिए वो खामोश ही रहेगा। तो सीन ऐसा है कि बस अभी हम लोग चलते हैं तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। गाड़ी तो आपके भाई से चलनी नहीं थी तो ये गाड़ी हमने दे दी है जावेद को, जावेद साहब चलाएं और हम यहाँ पे बैठ के व्यू एंजॉय करें।
ये हम जा रहे हैं। हमारा एक भाई होता है, अबे बेटा यासीन मामू को दे तेरा, तो हम लोग सदर नहीं कहीं और ही पहुंचते। यासीन गाड़ी चला, यासीन मामू गाड़ी चलाओगे? दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, दुबई का लाइसेंस है आपके पास? आखिरी दफा कब चलाई है गाड़ी? आखिरी दफा गाड़ी कब चलाई है? तभी आओ चलाओ ना, क्यों भाई? यासिन मामू ने सीधा हम लोग को इग्नोर मार दिया कि नहीं भाई मैंने गाड़ी नहीं चलानी, ये सीन है। ऐसे हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था 1500 रुपए का, लेकिन पंप वाले ने हमारे साथ खेल लिया है, गाड़ी का पेट्रोल हो गया एंड जावेद जा रहे हैं पेट्रोल लेने और हम इधर खड़े हुए गाड़ी के साथ, तो ये कुछ ये सीन है। हमारे साथ मोई मोई हो गया, क्या कह रहे हो यासिन मामू? यासिन मामू ये अभी ये पेट्रोल वाले ने धोखा दे दिया, आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये सीन है भाई, हम लोग के साथ मोई मोई हो गया है, पेट्रोल वेट्रोल एंड हो गया है। अब यहाँ से हम लोगों ने टायर वगैरह लेने थे बाइक के लिए, तो बस यहाँ से पेट्रोल वगैरह आता है, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं और फिर टायर लेने चलते हैं। ये आ रहा है पेट्रोल, ये जावेद भाई लेकर आ रहे हैं हमारा पेट्रोल, ये गाड़ी का पेट्रोल फूक गया है। जावेद पेट्रोल डलवाने के बाद भी ये हालत है हम लोगों की, ये पंप वाले ने पक्का खेला है। कितने का होगा ये? 600 रुपए का होगा, तजुर्बा है यार जावेद की, नई गाड़ी रखा है। तो भाई ये पेट्रोल डाल दिया, जावेद ये ढक्कन वक्कन लगा, मैं गाड़ी को स्टार्ट करके देख। भाई पेट्रोल डाल दिया, अब चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। भाई सब कुछ करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं बॉनेट खोलता हूँ आप देख कर चेक करें। कहाँ गया मेरे बाप की तोहफे, मेरे हाथ के बाद ये गाड़ी चलाई। यार अब चेक करते हैं आगे, गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। भाई चेक किया है ये बोनट के आगे सारा ऑयल आया हुआ है, पता नहीं क्या भंड है, चेक करते हैं। स्टार्ट करो, चेक करते हैं। यार गाड़ी सांस ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, भाई सीन ऐसा है कि हम लोग हो गई गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई, ये फ्यूल ही काफी पॉइंट था हर रेस मार के। इधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल। भाई मोए मोए होने से बच गए। जावेद क्या तासुरात है। दे आप लास्ट, दे आप क्लिपे लगा लें, क्लिपे क्लिपे एयर उसकी क्या नाम है, क्लिप लगा दें इंजन टॉर के। भाई
हो गई है गाड़ी स्टार्ट, फाइनली हम खारी से बच गए। अभी चलते हैं वहाँ से टायर वायर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को अपडेट करते हैं। तो भाई गाड़ी इधर खड़ी कर दी है, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे टायर लेने के लिए, बाइक के लेने हैं दो टायर। तो चेक करते हैं किस हिसाब से मिलते हैं और क्या बन रहे, यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि क्या करना है। बाइक के टायर है, बाइक के टायर। ब्रिजस्टोन का टायर है यही बाइक का। अच्छा तो क्या इन दोनों को क्या लगा देंगे आप, फाइनल रेट बता दें। 3,800 ले लें, दे दे जान छुड़ाए। अच्छा 4,000 रुपये ले लें, चलें सही हम आगे से। टायर शायर ले लिया, अब इंशाल्लाह आपसे यासिन मामू के घर जाके मिलते हैं। Let's go. मामू के घर ड्रॉप कर दिए, ये रहे बस मामू को ड्रॉप कर रहे, जावेद मिल रहा है, मैं गाड़ी घुमाता हूँ और अब निकलना है। हम लोगों ने मेन सदर जावेद के कुछ कपड़े वगैरह हैं, पैंट कोट वगैरह हैं, वो पिक करने हैं, बस वो सब पिक करके मामू से मिलते हैं फिर चलते हैं। सही है मामू, इंशाल्लाह सही है, चले मसला नहीं है, नहीं भी हो टेंशन नहीं लेना, आप लोग काम का परेशान कर लो, जल्दी फायदा, बेफिकर हो जाए, टेंशन नहीं लेनी आप लोग, कभी अपना काम है बस। सही है, सही है इंशाल्लाह, बेफिकर हो, मशीन खुला हुआ इसलिए मेरे को फिकर पड़ गई, कोई बात नहीं, सही है, मसला नहीं है, आपका काम करके ही जाऊंगा। ओके सही है, चल ठीक है बाबू, अल्लाह हाफिज। चले भाई जावेद, रख दे यार, क्यों रख दे, अजीब बंदा है यार। जी मामू, पता है पता है, कुछ ऐसा है, गाड़ी के पास पहुंच गए, पैंट कोट ले ली है, अब बस ये पैंट कोट को गाड़ी के अंदर डालते हैं और आप लोगों से मिलते हैं। अब शर्ट वगैरह लेनी है पैंट कोट के बाद, ये जाओ गाड़ी चला, तूने बोला तो वापसी में चलाएगा, अब शर्ट ज़ैनब से लेंगे, यहाँ से कहाँ से लेगा, यहाँ से कहाँ से ज़ैनब से लेंगे, ज़ैनब क्या पैंट कोट लेके हमारे साथ क्या हुई है, मोए मोए। तो अभी हम लोग आए पैसे की कान में, पैसा निकाल लें, पैसा शैसा निकालते हैं, उसके बाद क्या लेना है, शर्ट लेनी, हाँ शर्ट लेनी है। शर्ट लेने के बाद भी खापा शापा करते हैं, खापा शापा करने के बाद घर चलते हैं। तो 10,000 हाँ 5,000 निकाल ले, होप टू कार्ड स्टक ना, ये आवाज ना बहुत सेटिस्फाइंग सुनना, या होप टू कार्ड ना, आह आह आह, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, माल आ गया, ये आ गया मोए। भाई शर्ट लेने के लिए जा रहे हैं, अभी रास्ते से कौन सा जूस पीने, पल्पी जूस पीते और फिर आपसे वहाँ पे मिलते। ऐसा है कि करते कराते जावेद ने हम लोग का पूरा दिन दलील करने के बाद, बोल भाई दलील करने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर, और घर जाके आपसे मिलते हैं, क्योंकि अब कहीं हिम्मत नहीं है रास्ते वास्ते में रुकने की, अब आपसे हम मिलते हैं घर जाके। अब यहाँ से लेफ्ट ले ले, बेटा ये एक ही गाड़ी है अभी फिलहाल, और इस गाड़ी ये गाड़ी हम लोग चार बंदों का सहारा है, बताना मुझे हाँ रास्ता बताते रहना, ये ना वो यहाँ से आपने सीधा जाने भाई, पैंट कोट वगैरह लेकर हर चीज़ कर करा कर टायर शायर वगैरह लेकर घर पहुँच गए,
तो उस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और बुरा लगे तब भी कमेंट करके बताना कि भाई बड़ा घटिया ब्लॉग था। और अगर हाँ, कैमरे का थोड़ा इशू हुआ होगा, कैमरे का एंगल वगैरह, जाहिर फर्स्ट टाइम है तो इतना सेट नहीं होगा, तो वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसा भंड मारा है मैंने तो आपने कमेंट में बताना है। अल्लाह हाफिज़। कहाँ तू, कहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ ना तू, आके मीडिया पे लौंडे बने साधू, जाके ट्विटर पे।